हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जायका। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुजिया का डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा ली है और इसमें ये 3 से 4 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। अब मैदा और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैदा अगर इस तरीके से शेप होल्ड कर रही है तो मतलब हमने घी सही क्वांटिटी में डाला है। अब हम गुनगुने पानी को थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, गुजिया का सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। इसे अभी हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हम गुजिया में फिल करने वाली स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम कढ़ाई को हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसमें ये ग्रेटेड किया हुआ सूखा नारियल ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा भून लें। बीच बीच में इसे चलाते रहें और लो फ्लेम में ही इसे भूनें। ये देखिए, सूखा नारियल अच्छे से रोस्ट हो गया है। अभी हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में अब हम खोया लेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो खोया लिया है। खोए को अच्छे से चलाते हुए भूने। ये देखिए, मैंने खोए को 10 से 12 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और खोए को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब बारी है गुजिया के अंदर भरने वाली स्टफिंग को तैयार करने की। तो सबसे पहले हम खोया लेंगे जो हमने तैयार किया था। 4 से 5 बड़ा चम्मच पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी लेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सूखा नारियल लेंगे जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था। किशमिश ऐड कर देंगे। अब चिरौंजी ऐड कर देंगे। अब बस लास्ट में इसमें कुटी हुई इलायची ऐड कर देना है या फिर इलायची पाउडर ऐड कर दें। इससे गुजिया में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर डालें। अब सभी चीज़ों को अच्छे से खोए में मिक्स कर लें। तो अब गुजिया की स्टफिंग तो तैयार हो गई है, तो चलिए गुजिया बना लेते हैं। अब हमने जो मैदे का डो तैयार किया था उसमें से छोटी छोटी पूरी जितनी लोई बना लेंगे। अब हम लोई को पतला पतला बेल लेंगे, देखिए इस तरीके से। पूरी बेलने के बाद हम गुजिया का सांचा लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से हम ही पूरी रख देंगे। फिर 1 चम्मच करीब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो डाल देंगे। स्टफिंग आप ओवरफिल ना करें, वरना फ्राई करते टाइम पे फिलिंग निकल भी सकती है, तो हिसाब से ही भरें। फिर हम इस तरीके से साइड्स में ये घोल लगा देंगे, जिससे कि फ्राई करते टाइम हमारी गुजिया की फिलिंग नहीं निकलेगी। इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दें। अब गुजिया को निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी 1 गुजिया बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम ये सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमें गुजिया को फ्राई करना है, तो इसके लिए कढ़ाई में हल्का सा ऑयल गरम कर लेंगे और फिर उसमें ये गुजिया डाल देंगे। ध्यान रखें कि हमें गुजिया को लो फ्लेम पे गोल्डन रेड कलर आने तक फ्राई करनी है। इसी तरीके से मैं ये सारी गुजिया इसमें डाल दूंगी। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से सेक लें। ये देखिए, गुजिया का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। हमारी गुजिया सिककर तैयार है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गुजिया कितनी परफेक्टली सिकी है और उनका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी परफेक्टली बनी है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाकर देखिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये पसंद ना आए।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।